नमस्कार दोस्तों, आज मैं लेके आया हूँ सैमसंग गैलेक्सी वॉच 6। ये दोस्तों मेरे पास 44 mm वाली LTE वॉच, जिसमें दोस्तों आप ई सिम का यूज कर सकते हो। दोस्तों इस फ़ोन में सॉरी दोस्तों इस वॉच में हमें क्या क्या फीचर मिलते हैं, ये वॉच मैंने कितने की ली है और दोस्तों इस वॉच के अपने क्या क्या एडवांटेज हैं, ये सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। और दोस्तों इसकी प्राइस अभी सेल में क्या होने वाली है वो भी दोस्तों मैं आपको बताऊंगा, जिससे अगर आप कोई वॉच लेने की सोच रहे हो तो आप कोई गलत वॉच ना ले लो और आपको एक अच्छी वॉच मिल सके अच्छी कीमत में। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं और मैं आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हो बॉक्स थोड़ा पुराना है, क्योंकि ये वो बॉक्स है ये पुराना है क्योंकि जो बॉक्स जो वॉच दोस्तों मैंने खरीदी है वो खरीदी है सेकेंड हैंड, यानी 3-4 महीने चली हुई वॉच मैंने ली है। बट इसका बिल बॉक्स और जो भी होता है वॉच के साथ में वो सब कुछ मुझे इसके साथ मिला है। तो इसका है दोस्तों मेरे पास ब्लैक कलर, ग्रेफाइट दोस्तों ऐसा कुछ बोलते हैं, और ये है मेरे पास 44 mm वाली LTE वॉच, एक आती ब्लूटूथ वाली, बट दोस्तों ये है मेरे पास LTE वाली जिसमें आप ई सिम का यूज कर सकते हो, ई सिम से कनेक्ट करके आप इसको बिना फ़ोन के भी चला सकते हो और आप इसको कॉलिंग के लिए यूज कर सकते हो बिना फ़ोन के, तो ये एक फीचर होता है। तो चलिए दोस्तों पहले मैं दिखाता हूँ आपको इसके कुछ यहाँ पर फीचर्स। तो दोस्तों देखिए ये है वॉच LTE और ये मॉडल नंबर है, इसकी MRP है दोस्तों 41,999 रुपये, जिसमें आपको एक वॉच मिलती है, एक एडाप्टर सॉरी दोस्तों जो चार्जर होता है डाटा केबल वाला वो मिलता है, और एक स्ट्रैप मिलता है जो हमारे वॉच के साथ में लगा हुआ आता है। और साइज़ की बात करूँ तो ये है दोस्तों 4.44 सेंटीमीटर। तो कुछ इस तरह का इसका दोस्तों ये सीन होता है यहाँ पे। और यहाँ की बात करें तो यहाँ दोस्तों इसमें इसके फीचर वगैरह बताए गए हैं कि ये आप कैसे यूज कर सकते हो, LTE मोड पर कर सकते हो, ब्लूटूथ पर कर सकते हो, वाईफाई से कनेक्ट करके कर सकते हो, और GPS भी इसके अंदर इनबिल्ट दिया गया है। इसमें आपको 1.5 GB 1.5 GB की मेमोरी दी गई है जो 200 RAM बोलते हैं, और इसके अंदर आपको 16 GB की इंटरनल स्टोरेज का सपोर्ट भी दिया गया है। इसमें आपको ये सारे फीचर मिलते हैं जो आप देख सकते हो सैमसंग हेल्थ के अंदर, ब्लड प्रेशर, ECG और दोस्तों जो भी कुछ होता है ये सब आपको इसमें देखने को मिलता है। तो चलिए दोस्तों पहले मैं इसको करता हूँ ओपन और आपको दिखाता हूँ अंदर कैसे क्या मिलता है। तो देखिए ये वॉच है मेरी ऑलरेडी कनेक्ट सेटअप है पूरी, बट मैंने वीडियो बनाने के लिए इसको पैक कर दिया था। इसके साथ एक बॉक्स और मिलता है ये वाला, जिसमें आपको एक मिलता है ये कुछ इस साइड में ये कुछ केबल वगैरह यूज तो करता नहीं है ना, कोई रीड करता है। और इस साइड में दोस्तों मिलता है हमें एक बॉक्स जिसके अंदर आपको मिलता है एक चार्जर, ये दोस्तों डाटा केबल जिसमें आपको मैग्नेटिक सिस्टम देखने को मिलता है, जो ये आपने देखा होगा और वॉच में, जैसे मेरी वॉच 4 थी उसमें भी था। तो दोस्तों मैं आपको दिखाता हूँ निकाल कर, और दोस्तों वॉच 4 का जो चार्जर का कनेक्शन था उसमें इसमें क्या फ़र्क है वो भी मैं आपको बताऊँगा। तो देखिए जो वॉच 4 का जो डाटा केबल थी उसमें आपको मिलता था यहाँ पर USB port A जो आपको एडाप्टर में लगाने का होता है, बट इसमें मिलता है दोस्तों USB Type-C। तो ये एक सी टाइप से दोस्तों आपको पता ही होगा कि अगर सी टाइप कहीं मिल रहा है तो आपको फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट देखने को मिलेगा। और इसका दोस्तों जो ये राउंड है मैग्नेट सिस्टम वाला ये थोड़ा पहले के मुकाबले से छोटा कर दिया गया है, और दोस्तों जिस वॉच जो है फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट भी करती है और वॉच 4 के मुकाबले जल्दी चार्ज भी हो जाती है। तो चलिए दोस्तों साइड में रखते हैं, मैं दिखाता हूँ आपको वॉच। तो दोस्तों देखिए जी है मेरे पास सैमसंग गैलेक्सी वॉच 6। तो इसको मैंने सेकेंड हैंड लिया था, बट मैंने इसको सेकेंड क्यों लिया ये भी मैं आपको बताऊँगा। तो दोस्तों देखिए इसमें आपको सिस्टम मिलता है जैसे कि आप जैसे कि फ़ोन की तरह, जैसे हम फ़ोन होता है आप उसको जैसे ऊपर करते हो स्वाइप तो उसके सारे फंक्शन आ जाते हैं, तो वैसे ही इसमें कुछ दिया गया है। तो इसमें आपको देखिए काफ़ी भर भर के फीचर्स दिए गए हैं, देखिए
सेटिंग वगैरह सब दी गई है इसके साथ में। देखिए सेटिंग बॉक्स मेरा, प्ले स्टोर वगैरह, इसमें आपको काफ़ी सारे मोड दिए गए हैं। अगर आप दोस्तों इसकी हेल्थ वाली बात करें, इसमें आपको कौन से फीचर दिए गए हैं, तो आपको इस साइड में आना है और देखिए वॉकिंग, रनिंग, बाइक, और इस पर आप क्लिक करोगे मोड पे तो हाँ देखिए आपके पास काफ़ी सारे यहाँ पे मोड दिए गए हैं, जिसमें आप ये सारे सब कुछ कर सकते हो। और दोस्तों इसमें एक्यूरेसी काफ़ी अच्छी होती है, क्योंकि ये सैमसंग की काफ़ी महंगी वॉच है, तो इसमें जो एक्यूरेसी है वो काफ़ी आपको काफ़ी हद तक अच्छी मिलती है। ऊपर से आप नीचे स्वाइप करोगे तो देखिए यहाँ पे आपको इस तरह का कोई इंटरफेस मिलता है, जैसे कि फ़ोन में मिलता है। यहाँ पे आपको पावर जो ऑफ ऑन करने का है, ये सेटिंग है इसकी। और दोस्तों जैसे आप वाइब्रेशन मोड पे, रिंग मोड पे और साइलेंट मोड पे भी रख सकते हो। यहाँ पे टॉर्च दी गई है और दोस्तों ये वाईफाई से कनेक्ट है, और आप इसको यहाँ पे बैटरी सेवर पे भी लगा सकते हो। और यहाँ पे दोस्तों काफ़ी अच्छे अच्छे फीचर दिए गए हैं, एक तरीके से जो आपको ये स्मार्टफोन की तरह ही काम करेगी। और वॉच फेसेस की बात करूँ तो इसमें काफ़ी सारे वॉच फेसेस दिए गए हैं, आपको टैप करके रखना है और यहाँ से आप चेंज कर सकते हो। और ज़्यादा और चेंज करने के लिए आप अपने स्मार्टफोन में सैमसंग गलेक्सी वॉच की जो वेरेबल ऐप है वहाँ से जाके इसको काफ़ी वॉलपेपर इसमें डाउनलोड कर सकते हो और चेंज कर सकते हो। तो दोस्तों इसमें काफ़ी हमें भर भर के फीचर मिलते हैं। सैमसंग हेल्थ की बात करूँ तो देखिए यहाँ पे ये मेरा दोस्तों जो हिस्ट्री है, जैसे कि मैंने कितना वर्कआउट किया था लास्ट डे, तो मैंने अभी ढंग से सेटअप नहीं किया है, बट थोड़ा बहुत इसमें मेरा दोस्तों बैकअप दिखा रहा है कि मैंने कितने स्टेप लिए हैं। तो कुछ इस तरीके से दोस्तों ये काम करती है। यहाँ पे दोस्तों देखिए आप अपने हार्ट रेट और स्लीपिंग टाइम, बॉडी कंपरेशन, दोस्तों काफ़ी सारे फीचर दिए गए हैं, ब्लड प्रेशर, और दोस्तों इसमें टेम्परेचर का भी ऑप्शन आता है। इसमें आप टेम्परेचर भी पता लगा सकते हो किसी भी चीज़ का। तो ये इस वॉच में काफ़ी अच्छे से फीचर है। अब दोस्तों बात करते हैं फ्लिपकार्ट की सेल में जो हमें इस वॉच की कीमत पता लगने वाली है, क्योंकि फ्लिपकार्ट सेल में जो वॉच आपको काफ़ी अच्छी कीमत में देखने मिलेगी। अभी अगर इस वॉच की बात करता हूँ मैं, तो ये वॉच अभी आपको बिना सेल की मिल रही है 24,000 रुपये की, 44 mm वाली LTE मोड वाली। बट दोस्तों ऐसी उम्मीद की जा रही है कि ये जो वॉच है फ्लिपकार्ट सेल के अंदर आपको 17,000 से 18,000 रुपये की देखने को मिल जाएगी। और दोस्तों अगर आप बैंक ऑफर लगाते हो तो ये वॉच आपको 15,000 के आसपास देखने को मिलेगी, जो कि मेरे हिसाब से दोस्तों काफ़ी अच्छी कीमत है इस वॉच की। तो अगर आप एक ऐसी वॉच लेना चाहते हो जिसमें आपको एक्यूरेसी काफ़ी अच्छी मिले, अच्छी ब्रांड की हो, वाटर प्रूफ हो, क्योंकि इसमें आपको IP68 की भी रेटिंग देखने को मिलती है, तो दोस्तों आप वॉच 6 की तरफ जा सकते हो। और अगर आपको काफ़ी सस्ती वॉच चाहिए सैमसंग की ही, तो आप इसकी वॉच 4 भी देख सकते हो, जिसमें आपको काफ़ी हद तक सेम फीचर देखने को मिलते हैं, बट थोड़े बहुत फीचर हैं जिससे आपको कंप्रोमाइज़ करना पड़ सकता है। तो मेरे हिसाब से वॉच 6 काफ़ी अच्छी रहेगी। अगर आप एक नई वॉच लेना चाहते हो जो 20,000 के अंदर मिल जाए, तो आप वॉच 6 की तरफ जा सकते हो, जो कि दोस्तों आपको फ्लिपकार्ट सेल में 20,000 के नीचे देखने को मिल जाएगी। और इसका आप LTE वर्जन ही लें, क्योंकि LTE वर्जन जो है दोस्तों काफ़ी अच्छा काम करता है eSIM को सेटअप करने के बाद। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो अच्छी लगी हो लाइक और शेयर जरूर करें, और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि मैं इस तरह की वीडियो लाता रहता हूँ। तो दोस्तों फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।